सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। कि आंसर की के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम अभी हाल ही में कंडक्ट हुआ है, तो इसमें जीएस वाला जो पोर्शन है हम उसी को देखेंगे। इसको खंड शिक्षा अधिकारी वाले जो पेपर देने वाले लोग हैं उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि यूपीपीएससी पैटर्न कैसे बदल रहा है, कैसे प्रश्न पूछ रहा है। जब एपीओ के सिलेबस में लिखा है बेसिक जीके, तब ऐसे प्रश्न पूछे हैं। जब खंड शिक्षा अधिकारी में तो जीएस लिखा है और प्लस यूनिट वाइज सारा अलग अलग डिवाइड करके उन्होंने दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि पेपर किस स्टैंडर्ड का बनाया जाएगा। तो आपको ऑथेंटिक बुक से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनसीईआरटी कवर करें, स्पेक्ट्रम पढ़ें, लक्ष्मीकांत पढ़ें। मैंने अपने अपने चैनल पे लक्ष्मीकांत से भी वीडियो बनाई है पॉलिटी की 3-4, और स्पेक्ट्रम से पूरा राष्ट्रीय आंदोलन कवर कर दिया है, और एनसीईआरटी से मैं साइंस कवर कर रही हूँ पूरा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसके आंसर की देख लेते हैं। तो इसमें एकदम क्लियर से इसकी पिक्चर नहीं है, मैं सारे प्रश्न पढ़ूंगी और आंसर भी बताऊंगी, आप मिला सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, 1977 में चेचक का अंतिम प्राकृतिक रोगी निम्नांकित में से किस देश में प्रतिवेदित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोमालिया। तो अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखाई पड़ती है मुख्यतः कौन से रंग की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीले रंग की। ये एनसीईआरटी से पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सूची एक और सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें एक तरफ पदार्थ का नाम दिया है, एक और एक तरफ दिया है कि उसका क्या उपयोग है। तो आप पहले इसमें मिलाते हैं हम लोग सिल्वर आयोडाइड, ये तो मतलब बहुत इतना रिपीटेड है, हर एक पीसीएस में पूछता ही है इसको, कैसे भी पूछेगा लेकिन सिल्वर आयोडाइड से प्रश्न आता है। अगर आपको एक भी आता है सिल्वर आयोडाइड तो आप मैच करते हैं, सी का दो हो जाएगा। सी का दो, दो में है बी और सी में, और कॉपर सल्फेट जो है आपका कवकनाशी है, तो डी का एक हो जाएगा। तो सी का दो और डी का एक ऑप्शन बी में है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। योसिन लाल स्याही है और सेल्यूलोज एसीटेट है, वो चलचित्रों की फिल्म में यूज़ होता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में यूज होता है और कॉपर सल्फेट कवकनाशी है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के सीमांत वर्ण पट्ट होते हैं, तो इसमें मेरे हिसाब से राइट आंसर होना चाहिए लाल और बैंगनी। अगर अंतिम सीमांत वर्ण पट पूछता तो नीला और लाल हो सकता था, लेकिन सीमांत वर्ण पट पूछ रहा है, क्रम से कोई मतलब नहीं, दोनों अंतिम शुरुआत और अंतिम वाले आपको बताने हैं, तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर बी होना चाहिए, लाल और बैंगनी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये फोकस करना ज़रूरी होता है, पूछ क्या रहा है, कभी लास्ट में नहीं लिख देता है, हमको लगता है ये पूछ रहा है क्या है, तो हम उस चक्कर में गलत कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाबुक। मार्च 2019 में पाबुक नहीं आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2020 का मूल विषय था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गांधी लेखकों के लेखक। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस देश को विश्व पर्यटन दिवस 2019 समारोह के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा चयनित किया गया? तो इसमें है भारत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अपने देश की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में रिक्त पदों को विदेशी डॉक्टरों और नर्सों द्वारा भरे जाने के उद्देश्य से किस देश ने 19 दिसंबर 2019 को फास्ट ट्रैक वीजा प्रणाली की स्वीकृति दी? तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2 से 13 2019 के दौरान संपन्न हुए COP25 में भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की महिला मौसम परिवर्तन कार्यकर्ती कौन है? तो राइट आंसर है इसका ग्रेटा थनबर्ग, ये तो सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन है, संविधान के अनुच्छेद 108 द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक का अनुमोदन किया जाता है, तो ये एकदम सही कथन है। अगला प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में संपन्न हुई थी, ये भी सही है। 6 मई 1961 को दहेज वाले जो एक्ट है उसके ऊपर पहली संयुक्त बैठक आयोजित हुई थी 1961 में। और तीसरा कथन है, उपराष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, तो ये गलत है, उपराष्ट्रपति नहीं बुलाते, राष्ट्रपति बुलाते हैं, और जो संयुक्त बैठक होती है उसका जो क्रिया संचालन होता है वो लोकसभा के नियमों के अकॉर्डिंग होता है, तो तीसरा इसमें गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 108 अनुच्छेद में ये दिया गया है और 1961 में 6 मई 1961 को पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? संविधान का भाग दो, मौलिक अधिकार, तो ये गलत है, संविधान के भाग दो में मौलिक अधिकार नहीं है।
और इसमें नागरिकता है, और दूसरा है संविधान का भाग 3, तो ये भी गलत है, इसमें मौलिक अधिकार है। ऑप्शन तीसरा है संविधान का भाग 4, भाग 5 निर्देशक तत्व, तो भाग 5 में निर्देशक तत्व तो नहीं है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, संविधान का भाग 8 संग्रहालय क्षेत्र, तो ये सही है। अगला प्रश्न है, 25 दिसंबर 2019 को भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य ने बेहतर सुशासन सूचकांक की समेकित सूची में पहला स्थान अर्जित किया? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। सुशासन दिवस अटल जी की जयंती पे जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 25 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला कथन है विकास का गांधीवादी दृष्टिकोण है, तो ये भी सही है। और दूसरा कथन है 5 फरवरी 2004 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा इसकी अवधारणा दी गई थी, तो ये दोनों ही कथन सही है। अगर कथन एक में ये एक वर्ड जोड़ दिया होता कि यह विकास केवल गांधीवादी दृष्टिकोण पे है, तो ये गलत हो सकता था, लेकिन इसमें विकास का गांधीवादी दृष्टिकोण है तो ये सही है, क्योंकि जनरल बात इसमें बोली गई है। अगर आप DPSP में गांधीवादी सिद्धांत है उनको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गांधी जी ने ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया था, और पूरा में भी है कि ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जाए। तो इस तरह से इसका सी आंसर सही होगा, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ दिया है सारे टुंड्रा सवाना पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका तट, और दूसरी तरफ दिए वहाँ जो जीव जंतु पाए जाते हैं, कंगारू पेंगुइन जेब्रा रेंडियर। तो इसमें आप पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कंगारू सी का एक होगा ही, सी का एक एक ही में है बी में, तो आप वहाँ से मैच कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कंगारू मिलते हैं, अंटार्कटिका तट पर पेंगुइन, और टुंड्रा में रेंडियर और सवाना में जेबरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, ओजोन क्षेत्र केवल अंटार्कटिका के ऊपर दृष्टिगत है, कारण ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल के निचले भाग में पाया जाता है। तो पहला आप कथन देखेंगे, ओजोन क्षेत्र केवल अंटार्कटिका के ऊपर दृष्टिगत है, जो कथन अब्सोल्यूट होता है वो हमेशा गलत ही होता है, अक्सर 99.9% वो कथन गलत ही होता है, तो इसका कथन ये गलत हो जाएगा, और आर सही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नांकित में से किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व तो सबसे कम है? तो ये बहुत ईजी सा प्रश्न था, अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या से सवाल आने की पूरी संभावना थी, क्योंकि जनसंख्या इस बार कंडक्ट हो रही है, चर्चा में है, जो टॉपिक चर्चा में रहते हैं वहाँ से सवाल आते ही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस दशक में भारत के कुल नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर कुल ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक रही? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2001 और 2011 के दशक के दौरान। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डिक्लाइन ऑफ दी वेस्ट कार्ल मार्क्स, ये सुमेलित नहीं है। ऐसे प्रश्न का कोई मतलब नहीं होता, बस ऐसे डाले जाते हैं, आपको आए तो करें ना आए तो छोड़ दें, ऐसे प्रश्न यही सही रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा स्तूप स्थापत्य का अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जंगा। आर्ट एंड कल्चर से काफी डीपली प्रश्न पूछा है। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? तो इसका राइट आंसर है तुलु वंश। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं सही है? तो पहला कथन है, अकबर ने हिंदुओं पर लगे जजिया को मार्च 1965 में हटाया था, और दूसरा कथन है, अकबर ने हिंदुओं पर लगे जजिया को मार्च 1964 में उठाया था। तो राइट आंसर है इसमें 1964 वाला, तो केवल दो सही है, तो ऑप्शन बी का राइट आंसर है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक, तो इसके भीमराव अंबेडकर इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इलाहाबाद की संधि, अमृतसर की संधि, सालवाई की संधि और मंगलौर की संधि। तो इलाहाबाद की संधि सबसे पहले हुई है, और तो एक पहले हो जाएगा, और अमृतसर की संधि इसमें सबसे बाद में हुई है, तो दो नंबर का है वो, ऑप्शन सी में लास्ट में दिया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगर किसी को ये दो आते तो भी ये प्रश्न आसानी से हो जाता।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। मैंने अपने चैनल पे स्पेक्ट्रम की बुक से पूरा राष्ट्रीय आंदोलन कवर किया है, वहाँ पे ये सारे एमसीक्यू फॉर्म में पूरी स्पेक्ट्रम की बुक मैंने दे दी है, तो आप वहाँ से आके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं पर विचार करें तथा तो उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो भोपला विद्रोह, तेवागा आंदोलन, बारदौली सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण इनमें सबसे पहले हुआ है, तो सबसे पहले चंपारण दिया है ऑप्शन डी में, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पाचन तंत्र में भोजन की गति अनैच्छिक होती है, और दूसरा कथन है हृदय स्पंदन का नियंत्रण हमारी इच्छा के अधीन है, और तीसरा कथन है मस्तिष्क का बायां भाग भाषा से संबंधित है, और चौथा कथन है मस्तिष्क का दायां भाग संगीत के रसिया साधन से संबंधित है। तो इसमें दूसरा जो कथन है वो गलत है, और तो दूसरा इन सभी में दिया है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1 2 3 4 सही है। ऐसे प्रश्न जो होते हैं ये बहुत इजी होते हैं, अगर किसी को एक भी फैक्ट आता है तो बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एलिमिनेशन मेथड से सारा प्रश्न हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सही युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हार्मोन है वो कोलेस्ट्रॉल नहीं होते हैं जनरली, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा स्वच्छ और हरित ईंधन है? तो ए सीएनजी और जैव ईंधन। तो ऑप्शन डी में ये है, 3 और 4 सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 60 वाट के 2 बल्ब तथा 40 वाट के 2 पंखे को प्रतिदिन 6 घंटे और रखा जाता है, तो यदि विद्युत शुल्क 5 रुपये प्रति यूनिट है तो 30 दिन का विद्युत बिल कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 180 रुपये। मिशन इंद्रधनुष 2.0 का कार्यकाल कितना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिसंबर 2019 से मार्च 2020। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2019 में भारतीय वायुसेना ने अपने किस लड़ाकू विमान को 22 दिसंबर 2019 से सेवामुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, ऑप्शन सी, MiG-27। अगला है, निम्नांकित कथन सुरेना 4 मानव सदृश रोबोट से संबंधित है, तो इसे तेहरान विश्वविद्यालय ने बनाया था, पहला कथन। दूसरा, यह 100 ध्वनि आदेशों को पहचान सकता है, और तीसरा, यह 100 विभिन्न वस्तुओं को पहचान सकता है, और चौथा, ये 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलने में सक्षम है। तो जो चौथा वाला है वो इसमें गलत है, तो सी और बी में वो दिया है, तो ये एलिमिनेट हो गए, तो 1 2 3 इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल खिलाड़ी को 2 दिसंबर 2019 को 6ठी बार बैलन डी'ओर अवार्ड प्राप्त करने के समय विश्व का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी माना गया? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लियोनन मेसी। मिस यूनिवर्स 2019 जेंजिविनी टुंजी किस देश की हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोतों का कौन सा अपवाद है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस प्रकार की समानता का प्रयास संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 व 18 के द्वारा किया गया? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सामाजिक समानता। अगला प्रश्न है, निम्नांकित बोर्ड को उनके मुख्यालय से जोड़िए, तो इसमें आपको मैच करना है, तंबाकू बोर्ड है वो गुंटूर में है, तो बी का एक ए और बी में है, और भारतीय कॉफी राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड है वो हैदराबाद में है, सी का 2 हो जाएगा, तो बी का 1, सी का 2 बी में है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा वीजा यूएस कंपनियों में विदेशी नागरिकों द्वारा विनियोग को प्रेरित करने के उद्देश्य से लाया गया है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, EB-5। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो स्लोवेनिया, बहुत ऑस्ट्रेलिया, वियना, स्लोवाकिया, ब्रासलावा और क्रोशिया, जागरेब। तो ये राजधानियां हैं, ये आपको मैच करनी है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्लोवेनिया की राजधानी है वो बहुत नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से, तो ऑप्शन ए 39 का ऑप्शन ए, निम्नांकित में से कौन सा तट मच्छर तट के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको बताना है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैरिबियन सागर से लगा होंडुरास तथा निकारागुआ का तटीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? तो ये इसका है राइट आंसर 943। अगला प्रश्न है, बिहार निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ राज्यों के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ जनसंख्या घनत्व के बारे में दिया है। तो जो केरल का जनघनत्व है वो 760 नौ की 860 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें नागार्जुनी पहाड़ियाँ जो हैं वो आंध्र प्रदेश में हैं, पश्चिम बंगाल में नहीं है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है? तो इसमें है बिंबसार, ये बिंबसार जो है हर्यक वंश का शासक था। बादशाह नामा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला प्रश्न है, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश कब जारी किया था? तो इसका राइट आंसर है 21 दिसंबर 1600। अगला प्रश्न है, निम्न सूची एक को सूची दो को मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन निम्नांकित कूट की सहायता से कीजिए। तो एक तरफ राजवंशों के नाम और वो कहाँ थे वो नाम दिया है। तो गायक इसमें एक है गायकवाड़, तो गायकवाड़ है आपके बड़ौदा, तो ए का 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए और डी में ए का 3 है। इंदौर, तो इंदौर के होलकर थे, तो बी का 4, तो बी का 4 है ऑप्शन ए में। एक गायकवाड़ बड़ौदा और होलकर इंदौर, सिंधिया ग्वालियर भोंसले नागपुर, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। वाइकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो यह त्रावणकोर में शुरू हुआ था, तो ये सही है, और यह केरल में नमक कर के खिलाफ था, ये गलत है, नमक कर के खिलाफ नहीं था, एक एक्चुअली ये सामाजिक सुधार आंदोलन था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, दूसरा इसमें गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सूरत की संधि 1775 सही है, मद्रास की संधि 1769 सही है, बेसिन की संधि 1803 और ट्रिटी ऑफ लाहौर 1846। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। तो ये हुई पूरी आंसर की एपीओ वाले पेपर की, जीएस वाले पोर्शन की। थैंक यू।